मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं हमारी 18 नवंबर 2020 की वर्कशीट नंबर 111 मीन्स 111। आज की हमारी इंग्लिश वर्कशीट है एंड दैट इज फ्रॉम चैप्टर 1 नेहाज अलार्म क्लॉक। तो चलो पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन, डू यू लाइक टू स्पेंड टाइम विद योर ग्रैंड पेरेंट्स। यानी कि गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा दादी नाना नानी के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हो। लिस्ट अ फ्यू एक्टिविटीज, यानी कि कुछ एक्टिविटीज की, कुछ कामों की लिस्ट बनाओ दैट यू एंजॉय डूइंग विद देम, जो तुम उनके साथ करना पसंद करते हो। यानी कि बच्चों, जो भी काम, जो भी चीज़ें आप अपने दादा दादी के साथ मिलकर करते हैं, लाइक यू ईट फूड विद देम और यू प्ले विद देम। लाइक कुछ बच्चे लूडो खेलते हैं, कुछ बच्चों को ऐसा होता है कि हम बस दादा दादी या नाना नानी के साथ बैठ के खाना खाएंगे, उनके साथ बैठ के टीवी देखते हैं या फिर कुछ गेम्स खेलते हैं, वॉक करने के लिए जाते हैं उनके साथ। तो वो सभी एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पर लिखनी है। तो नंबर 1 पर आप लिख सकते हो ईटिंग, EATING ईटिंग। नंबर 2 पर लिख सकते हो वॉकिंग, WALKING वॉकिंग। नंबर 3 पर लिख सकते हो प्लेइंग, PLAYING प्लेइंग। नंबर 4 पर लिख सकते हो वॉचिंग टीवी। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप और भी एक्टिविटीज सोचकर जो भी आप करते हैं उनके साथ वो यहाँ पर लिखेंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है जो हम पहले अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। नेहाज ग्रैंडफादर टोल्ड हर अबाउट हिज चाइल्डहुड डेज, यानी कि नेहा के दादाजी ने उसको अपने बचपन के दिनों के बारे में बताया। When he was young, जब वो जवान थे, he stayed in a small village, वो एक छोटे गांव में रहते थे, situated in the hills of उत्तरांचल, जो कि उत्तरांचल के पास की पहाड़ियों में situated था, मौजूद था। Once he had gone with his family, यानी कि एक बार वह अपने परिवार के साथ गए हुए थे to see the valley of flowers देखने के लिए, यानी कि फूलों की घाटी देखने के लिए। They were all very excited for this trip, वे सभी इस ट्रिप के लिए, इस यात्रा के लिए बहुत excited थे, बहुत खुश थे। There were wide areas carpeted with the brightest yellow flowers, इसका मतलब है वहाँ पर बहुत सारे चौड़े भाग जो था ना, वहाँ का बहुत चौड़ा भाग वो चमकीले पीले फूलों से ढका हुआ था। It was like a dream, वो बिल्कुल एक सपने जैसा था। The sun was shining brightly in the sky, यानी कि सूरज आसमान में चमक रहा था। The air was fresh and clean, हवा फ्रेश थी और क्लीन थी। They were all very happy to see the beauty of nature, यानी कि वो सब नेचर की ब्यूटी को देखकर बहुत खुश थे। In this valley of flowers, do you know that these flowers bloom only for a few weeks in a year, यानी कि क्या तुम जानते हो कि ये जो फ्लावर्स हैं ये एक साल के कुछ ही हफ्तों में ब्लूम होते, यानी कुछ ही हफ्तों के लिए खिलते हैं, बाकी पूरा साल ये सिर्फ पौधे ही रहते हैं, इनके ऊपर फूल नहीं आते। तो बच्चों अब आगे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको रीड आउट करना है और फिर पैराग्राफ में से उनके आंसर्स ढूंढ ढूंढ कर यहाँ पर हमें फिल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो बच्चों देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। लेट्स कंप्लीट द सेंटेंसेस फ्रॉम द पैसेज अबव बाय फिलिंग इन द मिसिंग वर्ड्स, यानी कि नीचे दिए गए सेंटेंसेस को फिल करना है ऊपर दिए गए पैसेज की हेल्प से। तो बच्चों यहाँ पर हमें पूरे सेंटेंसेस दिए हुए हैं और इनमें बीच में कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं जो कि हमें यहाँ से फाइंड आउट करके यहाँ पर फिल करने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, व्हेन ही डैश यंग ही स्टेड इन अ स्मॉल विलेज सिचुएटेड इन द हिल्स ऑफ उत्तरांचल। तो हमें ये सेंटेंस ऊपर फाइंड आउट करना है जो कि कहाँ दिया हुआ है यहाँ पर, व्हेन ही वॉज यंग ही स्टेड इन अ स्मॉल विलेज सिचुएटेड इन द हिल्स ऑफ उत्तरांचल। तो कौन सा वर्ड मिसिंग है, वॉज। तो बच्चों हमारा आंसर हो गया वॉज, हम यहाँ पर लिख देंगे व्हेन ही वॉज यंग ही स्टेड इन अ स्मॉल विलेज सिचुएटेड इन द हिल्स ऑफ उत्तरांचल। तो बी पार्ट देखते हैं, दे डैश ऑल वेरी एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप। देखते हैं ये कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए दे वर ऑल वेरी एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप, है ना, सेम सेंटेंसेस है। तो दे के बाद क्या आंसर आएगा, वर। दे वर वेरी, यहाँ पर हम फिल कर देंगे दे वर ऑल वेरी एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप। नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट, इट डैश लाइक अ ड्रीम। आप देखो इट से कहाँ पे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है यहाँ पैसेज में, देयर वर वाइड एरियाज कार्पेटेड विद द ब्राइटेस्ट येलो फ्लावर्स, इट वॉज लाइक अ ड्रीम, इट वॉज लाइक अ ड्रीम। तो इट के बाद क्या आंसर आएगा हमारा, वॉज। तो बच्चों यहाँ पर हम वॉज फिल कर देंगे, डब्ल्यू ए एस, इट वॉज लाइक अ ड्रीम। अब डी पार्ट देखो, द सन डैश शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई, द सन, द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई। तो द सन के बाद क्या आंसर है हमारा, वॉज, हम यहाँ क्या फिल कर देंगे, वॉज, द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई। अब लास्ट पार्ट देखेंगे, द एयर डैश फ्रेश एंड क्लीन, एयर वाली लाइन ढूंढो कहाँ पर दी हुई है, ऊपर देखेंगे सभी कहाँ दी हुई है, यहाँ पर देखिए ये रही, द एयर वॉज फ्रेश एंड क्लीन। तो बच्चों ई का आंसर हो गया, द एयर वॉज फ्रेश एंड क्लीन। अगर बच्चों आप सभी ने कुछ चीज़ नोटिस की हो तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, सभी जगह पर वॉज वर वॉज 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 यही सेंटेंसेस, यही वर्ड्स फिल किए हैं ना इन सेंटेंसेस में। तो देखो ही के बाद क्या आता है, वॉज, दे के बाद क्या आया है, वर, इट के बाद वॉज, सन के बाद वॉज, एयर के बाद वॉज। तो बच्चों इससे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि देखो ही इट सन एयर, ये सभी सिंगुलर वर्ड थे ना जो सिर्फ एक पर्सन को या फिर किसी एक सिंगल चीज को डिनोट करते हैं। इन सब के साथ हमने किसका यूज किया, वॉज का। और जबकि दे मतलब वे, बहुत सारे लोगों की जब बात होती है तब वहां पर हम दे का यूज करते हैं, तो उसके साथ क्या आया है हमारा, वर, डब्ल्यू ई आर ई वर, ठीक है। तो बच्चों जो भी हमने ये ऑब्जर्वेशन की ना, इसकी हेल्प से हम अब बी पार्ट को रीड करेंगे। देखो बी पार्ट में क्या कहा गया है, डिड यू नोटिस द वर्ड्स दैट यू हैव फिल्ड अबव, क्या तुमने जो वर्ड्स ऊपर फिल किए हैं उनको नोटिस किया, लेट्स टेल यू मोर अबाउट देम, कि चलो आपको कुछ और बताते हैं उनके बारे में। वॉज और वर आर पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब टू बी, यानी कि टू बी का मतलब होता है बच्चे होना या फिर है, ठीक है, ये एक प्रेजेंट फॉर्म हो गई कि कोई चीज हमारे पास है या फिर होनी है, ठीक है। और जबकि पास्ट टेंस में वॉज या वर यानी कि थी, थे, वहां पर हम वॉज या वर लगाएंगे,
ठीक है। तो फिर टू बी की पास्ट फॉर्म क्या होती है, वॉज या वर। तो आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। देखो क्या लिखा है, द वर्ड वॉज इज जनरली यूज्ड विद सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स। सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, हम सिंगुलर प्लूरल पढ़ते हैं ना, सिंगुलर यानी कि एक वचन जो सिंगल होते हैं, जैसे कि आई, ही, शी। आई मतलब मैं, ही शी मतलब वह, इट मतलब भी वह, जो हम निर्जीव वस्तु के लिए यूज करते हैं। अब इनके साथ हम किसका यूज कर रहे हैं, वॉज का। तो सिंगुलर यानी कि वन ऑब्जेक्ट, पर्सन या प्लेस। यानी कि बच्चों सिंगुलर एक वचन का उपयोग कहाँ करेंगे हम, किसी एक वस्तु के साथ, एक इंसान यानी एक पर्सन के साथ, या फिर एक प्लेस, एक जगह के साथ। और बच्चों द वर्ड वर इज यूज्ड विद प्लूरल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि वर्ड वर जो था ना वो प्लूरल ऑब्जेक्ट्स के साथ यूज किया गया था, ठीक है। किन के साथ, प्लूरल यानी कि बहुवचन, एक से ज्यादा जो होते हैं उनके साथ यूज किया गया था। दे के साथ यूज किया गया था ना, तो वर का यूज कहाँ कहाँ पर होता है, वी एंड दे के साथ। वी मतलब हम, दे मतलब वे, ठीक है। इनके साथ वर का यूज होता है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है ना कि प्लूरल मोर देन वन ऑब्जेक्ट, पर्सन या प्लेस। यानी कि प्लूरल का यूज़ हम वहाँ करेंगे जहाँ पे एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट की बात हो, पर्सन्स की बात हो, या फिर प्लेसेस की बात हो। लेकिन एक स्पेशल चीज़ है जो हमें याद रखनी है कि यू का यूज़ कहाँ पर करते हैं। यू का यूज़ देखो, यू एक सिंगल पर्सन होता है, सिंगुलर होता है, लेकिन फिर भी यू के साथ हमेशा वर आता है। एक सिंगुलर पर्सन के लिए यूज़ करने के बावजूद भी इसके साथ हमेशा हम वर का यूज़ करेंगे। यू इज़ नॉट अ प्लूरल बट वी स्टिल यूज़ वर विद यू। दिस इज़ एन एक्सेप्शन टू द अबव रूल। यानी कि ये ऊपर का जो रूल है उसका एक एक्सेप्शन है, उससे एक अलग चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू वर इन स्कूल येस्टरडे, कल तुम स्कूल में थे। तो यहाँ पे यू के साथ किसका यूज़ हुआ, वर का। तो बच्चों आपको सिर्फ यही रूल्स याद रखने हैं और इनकी हेल्प से आप इस तरह के फिल इन द ब्लैंक्स बहुत इजीली कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।